गिम्बल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी ब्लॉग के साथ। आज की वीडियो का आगाज करते हैं। आज हम पहुंचे हुए हैं मेरिडियन, हमारे साथ मौजूद हैं शामी भाई और आमिर भाई, आगे जा चुके हैं। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हम मेरिडियन होटल पे आए हुए हैं कवरेज के लिए। किस चीज़ की कवरेज? मैरिज की कवरेज है। शामी भाई करेंगे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, आमिर भाई भी बहुत अच्छे हैं हमारे ड्रोन वीडियोग्राफर हैं, और मैं करूंगा ड्रोन कवरेज, और ड्रोन कवरेज आपके साथ शेयर करेंगे। तो बहुत अच्छा मेरिडियन होटल है, देखते हैं आज कैसा रहता है एक्सपीरियंस। अंदर चलते हैं जी, आपको जाके मार्की की सैर करवाते हैं। और ये जी सामने वाली मार्की है, लेकिन अभी लाइट्स ऑफ इसलिए हैं क्योंकि टाइम अभी 6 बजे हैं, कुछ देर बाद लाइट्स ऑन होंगी तो बहुत अच्छा सीन होगा यहाँ पे। क्यों शामी भाई? अभी एंट्री करवाते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये है जी मार्की का कुछ अंदर का व्यू, अभी सेटिंग हो रही है तो कुछ देर में तमाम जो तैयारी कम्प्लीट कर ली जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह देखने वाली होंगी। और ये रहे जी हमारे तमाम इक्विपमेंट्स, और अभी आमिर भाई करेंगे गिम्बल को सेट, और डिफ़िकल्ट काम होता है गिम्बल को ऑपरेट करना और सेट करना, जो कि आमिर भाई परफॉर्म करते हैं इसे। गिम्बल पे कैमरे को बैलेंस के साथ सेट किया जाएगा, इंशाल्लाह वीडियोग्राफी स्टार्ट की जाएगी। और हर इवेंट में डीजे सिस्टम अवेलेबल होता है, और आज के डीजे इवेंट ये परफॉर्म करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? अली। और आपका भाईजान? रोश। गुजर वाला सही है जी। इवेंट पे डीजे ना हो तो वो वीरान वीरान सा लगते हैं। अभी तो फैशन होता जा रहा है, ट्रेंड बनता जा रहा है कि हर इवेंट पे डीजे होना लाजमी हो जाता है, तो डीजे 4 चांद लगा देते हैं इवेंट को। सेटिंग की जा रही है, जब फंक्शन स्टार्ट हो कोई मसला मसाला बने जो है वो इसे साफ कर रहे हैं। फाइनल जी गिम्बल के ऊपर कैमरा सेट हो चुका है, तो अभी वीडियोग्राफी स्टार्ट की है शामी भाई ने। लाइट्स भी ऑन कर दी गई हैं मार्की की, और गेस्ट भी आने शुरू हो चुके हैं अभी, तो कुछ देर में वलीमा सेरेमनी है उसका आगाज हो जाएगा। तमाम जो भी कवरेज है वो करेंगे, जो हमारा काम है। पहले आने का मकसद हमारा यही होता है कि कैटरिंग और डिकोर को कवर करना और बाहर से व्यू लेना। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, तो अभी हमारा काम शुरू होता है। शामी भाई ने तो कुछ शॉट्स ले लिए हैं, अभी कुछ लेंगे तो मैं ड्रोन शॉट लूँगा, तो चलें जी ड्रोन शॉट्स के लिए क्योंकि लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। तो ये भैया जी उसकी फ़ोटोग्राफी के लिए आए हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है। ये फोटोग्राफी के लिए कौन सा कैम यूज़ कर रहे हैं आप? भाई मैं 750 इस्तेमाल कर रहा हूँ नाइकॉन का, ठीक है, शैनी की फ्लैश है, और ये अभी न्यू कार्ड लेके आया हूँ D32 SD 1150 स्पीड है इसकी, ठीक है। ये देखे नया बिल्कुल, अभी 3500 लगा के आए। वाह, ठीक है, 13 साल हो गए। एक अगर आम बंदा फोटोग्राफी सीखना चाहे तो कितनी देर में सीख सकता है? एक आम बंदा अगर फोटोग्राफी सीखना जिसको चाहे कुछ तो भी 2 घंटे में भी सीख सकता है, ठीक है, लेकिन उसका अगर दिमाग हो तो, अगर दिमाग ना हो तो 20 साल भी नहीं सीख सकता, ठीक है। ऐसे ही बात, मैं सीख जाऊंगा। तो आपका दिमाग है ना, थैंक यू। अच्छा भाई, अच्छा आप थोड़ा इतना हो गया एक्सपीरियंस? मेरा 4 ईयर हो गए हैं। अभी आपने ये माइंड बनाया कि मैंने गिम्बल को ऑपरेट करना सीखना है? बिकॉज मैं वीडियोग्राफी करता रहा हूँ लेकिन गिम्बल के बगैर, सो नाउ आई विल स्टार्ट गिम्बल ऑपरेट। अच्छा, आपको क्या ऐसी कमी महसूस हुई है कि गिम्बल होना चाहिए या गिम्बल की जो ऑपरेट कर टाइप की है? गिम्बल के बगैर वो स्टेबलाइजेशन मुमकिन नहीं है? नहीं, वो मुमकिन नहीं है, बिकॉज गिम्बल स्टेबलाइजेशन के लिए है। अच्छे इमर्ज के लिए गिम्बल का होना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। चलें जी, अभी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, तो गेस्ट आने से पहले पहले अंदर डिकोर की भी मैं वीडियो बनाऊंगा ड्रोन से, और बाहर का भी व्यू वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो लेट्स सी, चलें जी लेट्स गो। ये रहा जी हमारा ड्रोन कंट्रोलर, ड्रोन और बैटरी है, अभी इसको ऑन करते हैं, रेडी करते हैं फ्लाई के लिए। लाइट्स ऑन होने के बाद कुछ ये व्यू है जी मार्की का अंदर का।
तो फिर तमाम जो ड्रोन शॉट्स है वो भी लेंगे। ड्रोन शॉट्स होते हैं जो सिर्फ टाइम में लेने होते हैं, तो ये तो सबसे ज़्यादा काम करते हैं फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर। वीडियोग्राफर शायद ज़्यादा ही करते हैं क्योंकि गिम्बल को भी कंट्रोल करना होता है और तमाम जो गेस्ट उनको भी कंट्रोल करना होता है और वीडियो भी बनानी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है उनको। इनकी निस्बत मेरी स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं है, बट ड्रोन को अच्छे से फ्लाई करना इतनी मेरी जिम्मेदारी है, अच्छे शॉट्स लेना बस। तो इंशाल्लाह इस फील्ड में मेरा अभी न्यू एक्सपीरियंस है, तो इंशाल्लाह जल्द ही इस चीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा और बेहतर से बेहतर शॉट्स लिए जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा ड्रोन फ्लाई के लिए रेडी हो चुका है, तो अभी सबसे पहले बाहर का व्यू लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सीन कैप्चर होगा। सात बज के 20 मिनट हो चुके हैं, तो गेस्ट आने शुरू हो चुके हैं, तो अभी कुछ देर में गेस्ट आएंगे तो इंशाल्लाह जो सेरेमनी है स्टार्ट होगी। खाना भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि आज वलीमे पे क्या बना हुआ है। और फाइनली जी नवाज भाई भी पहुंच चुके हैं, जहां हम वहां नवाज भाई। नवाज भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, जबरदस्त। बहुत लेट पहुंचे हम हैं, वैसे मैं आस्था आ रहा था। अच्छा चलें आए बैठे आप, लेट्स गो। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना खोल दिया गया है, अभी शामी भाई डाल रहे हैं खाना, अभी कवरेज करके फारग होके भी हम भी कुछ ये डिशेज हैं जी। ये है चिकन नान, स्वीट डिशेज हैं। तमाम गेस्ट खाने में मसरूफ़ हैं, हम भी खाने के बाद आपसे बात करते हैं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लिया है, ड्रोन शॉट्स ले लिए हैं, तो हमारा काम हो गया जी ख़त्म। मैं और नवाज भाई निकलने लगे वापस टोन को, तो टोन जाके मिलते हैं। इंशाल्लाह ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। चलें जी, लेट्स गो लेट्स गो।